आज अपने नए फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, मैंने चेंज कर लिया है, आईफोन हटा दिया है। उसके रीज़न इसके बड़े सारे, आईफोन में पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही, और देखो इसमें कैमरा स्विचिंग भी कितना इजी है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है जो मैंने इसको लिया। ठीक है, मुझे iOS पसंद है, बट उससे ज़्यादा मुझे पसंद है ईजी चीज़ें करना। इसे देखो कितना बढ़िया रिकॉर्डिंग करना, सब कुछ कितना इजी है। कैसे भी इसको मूव कर लो, चेंज कर लो, जूम कर लो, कुछ भी कर लो। देखो कितनी दूर की जूम है, ये 10x है, कितना दूर तक का होता। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने चेंज किया। कितने सुंदर फूल हैं ये, एकदम येलो येलो। इन फूलों में ना एक खासियत है कि ये पूरे जो है ना इलाका बॉडी याद आया मुझे, पूरा एरिया उसको देखो कितना लाइवली बना देता है। मगर एक चीज़ है कि इससे गंद भी बहुत पड़ता है। लाइवली तो बनता है पर गंद भी बहुत पड़ता है। मुझे पर्सनली ये बचपन से ना ये वाले फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई सिंपली लव इट, ज़बरदस्त। अभी देखो मैं कार के अंदर से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और कितनी क्लैरिटी है। और पता नहीं क्यों आईफोन में नहीं है इतनी, मैं इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ बट मुझे इतनी कभी भी क्लैरिटी नज़र ही नहीं आई उसमें। आई होगी बट आई डोंट नो। और ये जो है ना S23 अल्ट्रा फ़ोन, इसकी क्लैरिटी, इसके वीडियो, सब कुछ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट सिंपली लव इट। वे 20x पे है, उसके बावजूद भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। सोने के लिए बेड बिछाया एसी की वजह से, और ये माशे खुद ही आके ये खुद ही सोने को हो रहा है। देखो हट भी नहीं रहा, ये कह रहा है यहाँ मैं सोऊंगा, तेरी जगह यहाँ है, बैठ जा, सिट डाउन, सिट, स्लीप, इधर सो जा, सो जा। ये तेरे लिए नहीं है ये जगह। क्या है? नो क्या है? तुझे किसने कहा आने को? ये क्या तरीका है? ये कौन सी मैनर्स है जेम्स? वो मैंने सो रहे हैं इसी के नीचे, तेरे लिए नहीं है, तू इधर आ, इधर आ, उधर मैंने सो रहा हूँ, गो इधर, चलो चलो इधर फिर। इसने तुम्हारी सीट हटा ली आज भाई, हम भी एक टेम्परेरी सीट है ये, चल उधर, चलो उधर, गो जाओ वहाँ पे, चलो साइड हो, चल जा उधर। रात को मेरे ऊपर ही सो जाएंगे। पूरा जोर लगा के बैठा कि मैं नहीं हिलता, चल। ये देख लो चूहा ना यहाँ पे पौधों में से पानी पी रहा है। एक और आ गया, ये बहुत सारे चूहे घूम रहे हैं। ये खड़े खड़े ऐसे लग रहे जैसे मेरे पैरों पे भी आ गए। जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। सोचा है कि कुछ प्लांट्स उगाता हूँ, ट्रीज, स्पेशली मैंगो के। तो अभी आम खा के हटा हूँ और उसमें मुझे ये मिला। अब ये है पड़ले का पड़ा हुआ है, एक आम अभी खाया है तो उसमें से ये सीड है, इसको खोलते हैं और ये वाला फिर हम ट्री लगाएंगे। अब बस इसका ड्राई वाला है, अभी हम क्या करेंगे इसको ना काटेंगे, इसको काट के और इसके अंदर से सीड हमें मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो ये मैंगो का सूखा हुआ ले लिया, आप फ्रेश भी ले सकते हो, और ये चाकू लिया। अब मैं इस साइड से ना इसे कट कर लेता हूँ। ऐसे करके ना हम इसको कट करेंगे, बड़ा मुश्किल है, बहुत हार्ड है ये। आपको ध्यान से करना पड़ेगा नहीं तो हाथ कट सकता है। तो ये देखो जैसे मैंने अभी किया, मतलब मैंने ये जगदेव यहाँ पे नहीं है, ये इस तरह से बीच में से निकल आएगा। ये तो ख़राब हो गया है क्या? नहीं, ये ठीक है, ये ऐसे निकल गया। अब इसको हम ना क्लीन सा करेंगे और फिर हम इसको पानी के अंदर रखेंगे, ठीक है? फिर आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे करना है। ये देखो ऐसे निकल आया, जैसे किडनी बीन होती है ना उस तरह से, बड़ा सा बिल्कुल ही वैसा लग रहा है। और जब आपने इसको छीला तो ये सारे उसके पार्ट है, जैसे प्याज के होते हैं उस तरह से। तो ये वाले को ना हम पानी में लगाते हैं अभी।
इस तरह से ना मेरे पास एक ये डब्बा सा फ्री पड़ा हुआ है, मतलब वैसे ही पड़ा है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और फिर हम इसको इसमें ऐसे डाल देंगे, ऐसे करके ना इसमें हल्का सा पानी डाल के ढक के रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें टैंक वाटर डाल लिए है, फ्रेश वाटर तो हमारे इधर आता नहीं, इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा डाल लिए ताकि ज़्यादा भी पानी के अंदर ना रहे। अगर आपको लगता है एक्सेस पानी है तो आप थोड़ा सा पानी निकाल भी सकते हो। परफेक्ट है, इसको ऐसे हम रखेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक में इसमें जो है वो सैपलिंग टाइप से निकल आएगा। हमने मैंगो सीड उगाया, ये वो उगाया उसमें से। तो इस तरह से आप अपने घर में भी लगा सकते हो किसी भी फ्रूट का, और वो सभी के लग जाते हैं। अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर इसको हम देखेंगे नीचे सॉइल में लगा देंगे, नहीं तो बड़े गमले हैं, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही है। वैसे छोटा गमला है अभी, ये इसमें चेंज करूँगा, वैसे भी साथ में दूसरा लगा हुआ तो इसको भी चेंज करके लगाऊँगा। बार गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ी हैं, आपको तो पता ही है 2024 की ना बहुत ही ज़्यादा, और मगर अभी मौसम जो है देखो अच्छा होने लग गया है। आंधी वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आंधी वाला मौसम हो रहा है। होएगी बारिश की नहीं ये तो कह नहीं सकते, मगर दूर जैसे ना आंधी आ रही है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये देखो दूर आपको बारिश वाला मौसम है, आंधी वाला मौसम हो रहा है। तो बारिश होगी कि नहीं दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट बाकी देखते हैं अभी कैसे होता है। बाकी यहाँ पे 14 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, सारे मिट्टी वाले बादल हैं, दूर भी मिट्टी 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 हो रखी है। देखते हैं मैक्सिमम जूम करके तो देखो मिट्टी उड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, अभी देखें तो हर जगह मिट्टी मिट्टी नज़र आ रही है। ये अब देखो शाम हो गई और वैसे का वैसा मौसम है, अभी तक कोई बारिश या धूल कुछ नहीं आया। किसको पकड़ना जेम्स, गर्मी लग रही है। ये घूम के आया 3-4 किलोमीटर, अंदर नहीं जाना अभी, रुक जा इधर जेम्स। सिट सिट डाउन, गुड बॉय। अभी आपने देखा था रात का शाम का सीन, अब आप देखो दिन का सीन। बादल हैं पर ना के बराबर जा रहे हैं, बारिश तो भी नहीं ज़्यादा, थोड़ी सी ही बस, ये देखो जस्ट इतने। और पंजाब में हमेशा की तरह लाइट नहीं है। गोल्डन ग्लो, ऐसे ही ले। मेरे वीडियोस थोड़े कम आ रहे हैं और मुझे एक बात भी करनी थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे ये रिव्यू दिया है कि उन्हें मेरे वीडियोस पसंद नहीं हैं और वो नहीं देखते हैं। तो यार इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा ना मोटिवेट करना चाहिए दूसरे को। अगर आपको पसंद नहीं है तो फीडबैक अच्छा दो, बताओ कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है और क्या आप देखना चाहते हो। अगर देखो यार मैं अगर आपको अच्छा फीडबैक देता हूँ, हमेशा मोटिवेट करता हूँ, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि आप मेरे को भी थोड़ा ऐसे ही करो। फ्रेंडशिप हमेशा दो तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। मुझे ना वैसे बुरी लगी थी बात, मैंने आज तक कभी शेयर नहीं करी ना वीडियोज़ में ना रियल लाइफ में किसी को, बट आज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस अपने लिए बना रहा हूँ या मुझे कोई उससे वो नहीं है। ऐसा कौन है दुनिया में, कोई होगा शायद, मे भी एक दो, ऐसा कौन है मुझे तो नहीं पता कि जो नहीं चाहता कि वो वीडियोस के कंटेंट बना रहा है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में किसी में, कि उसके कंटेंट को ना देखे लोग, अप्रिशिएट ना करें, व्यूज़ ना है, सब्सक्राइबर्स ना है, ऐसा तो कोई नहीं है। हालांकि मैंने अभी फ़ैन बंद किया हुआ है, आवाज़ प्रॉपर नहीं होती रिकॉर्ड, एंड गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, उमस भी बहुत हो रखी है, एनी वो एक अलग बात होगी। तो ये चीज़ मेरी थी, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करो, डीमोटिवेट मत करो, अच्छी फीडबैक दो, चाहे आप गलत मतलब उसके लिए रोको कुछ भी है, पर फीडबैक अच्छा दो, उसको मोटिवेट करो कि वो और अच्छा काम करे। बाकी मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि नए वीडियोज़ बनाऊँ, नया कंटेंट लाऊँ, पर मे बी वो थोड़ा कभी कभी रिपीट हो जाता है, पर अपनी तरफ से तो करता हूँ मैं, डेली व्लॉग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ। अभी नीच नहीं है इस चैनल का, कोई मल्टीपल नीच है, डेली लाइफ है, जो भी है, मैं अपनी तरफ से शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट, और मैं और ट्राई करता रहूँगा। जितनी सी बात ही मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अपने जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको इतना भी आप फॉर ग्रांटेड मत लो कि यार बोल दिया जो है देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि आपको अच्छे से लोग सपोर्ट करें, आपके लिए अच्छा बने, तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों के लिए भी करो। तो बस ये बात शेयर करनी थी मैंने। बाकी आप वीडियो जो देख रहे थे, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, मेरे को बीच में रोकने का नहीं था सर, बट ये चीज़ शेयर करनी भी ज़रूरी थी। गर्मी में ना सारे पौधे जल गए हैं, तो इसलिए मैं अब क्या करता, कुछ नए प्लांट्स लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो ये तीन लेके आया हूँ, एक तो बोगनविलिया है, और ये एक है मुझे इसका नाम नहीं मालूम, ये है पिंक फ्लावर, ये भी नहीं मुझे पता। बाकी ये लगाए थे कुछ तो उगे ही नहीं है अभी, ये मगर मैंने लगाया था क्या बोलते हैं राजमा, ये राजमा देखो ये उग गए हैं, ये भी बाई चांस ख़राब हो गया सकुलेंट का। ये हल्दी है, ये भी जल गया था, मैं टब ठीक होने लग गया, ये कटिंग लगाई है जल नहीं रहा था। इसमें मैंने पालक लगाई हुई है और उसमें धनिया लगाया और वो मैंगो लगाया। बाकी हैं ये वाले फ्लावर्स थे ये, और ये इसको चूहों ने खा लिया, यहाँ बहुत चूहे आते हैं, इसमें भी धनिया लगाया है, बाकी सब खा लिए, अभी इसमें लगाता हूँ। और दूर वो प्लांट्स पड़े वो भी लगाए हुए हैं, जैसे कि एलोवेरा वगैरह है, वो उधर वाले प्लांट सही चल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा साइड में है। बाकी ये अभी ना ये कॉर्न पड़े हैं और ये पड़े हैं, ये सब देखते हैं लगाते हैं अभी इसको। बाकी अंदर रखने के लिए ना सकुलेंट तैयार किए मैंने आज, अच्छी तरह से कैक्टस ऐसे ही वाले लेके आऊँगा पॉट्स 10 के करीब, और उसमें अलग अलग डिज़ाइन है गोल्डन ऐसा बना के ये अंदर लगाएंगे। बाकी ये वाले अभी लगाने लगा हूँ। गुगड़ी किसको बीटने जा रहा है? अभी हर तरीके से कैमरे, हर सारे कैमरे यूज हो रहे हैं, या दैट इज रवि ए बी सी सब, यानी कि पांचों के पांचों। या ये इसमें बहुत बढ़िया है, इसमें 23 अल्ट्रा में एक टाइम में पांचों कैमरा यूज हो रहे हैं, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स कट, तो बढ़िया है। ये सारे फंक्शंस ना आईफोन में होने चाहिए iOS में, बट सैडली नहीं है, पता नहीं क्यों वो अपग्रेड नहीं कर रहे। मेरे को एंड्रॉयड बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर ये कैमरे की फीचर्स आर रियली नाइस। हम जा रहे थे इमली ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे भाइयों मुझे बताइए तो सही ये किसके लिए छिंदा चल रहा है, वो आने वाली है ना। वो आज मैं और जगदेव मूवी देखने आए हैं, पूरी हरियाणा वाल की, तो एलांटे मॉल में है। हाँ तो काफ़ी टाइम हो गया था मूवी देखे हुए, तो सोचा क्यों ना आज देख के आए थे। देखने तो एक्चुअल में आए थे एक्सॉर्सिज्म, मगर उसका ट्रेलर देखा तो लगा कि मूवी तो बहुत ही बेकार है, तो इस वजह से फिर ये देख ली। पंजाबी मूवीज बहुत कम ही अच्छी लगती है, पर सोनम बाजवा की है। बस अभी टिकट्स वगैरह बुक करते हैं, ये हमारा टिकट काउंटर है, अब इसमें लेते हैं मूवीज। ये कौन सा ओपन है, ये वाला?
डेली टिकट्स। हाँ, आज मैं फर्स्ट टाइम एलांटे के मॉल में थिएटर में मूवी देख, एलांटे के मॉल में, एलांटे मॉल में मूवी देखने आया हूँ। हाँ, पहले ना यहाँ पे सिनेबॉन नाम का होता था, बढ़िया था, सिनेबॉन्स मिलते थे, टेस्टी थे, मगर वो है तो अभी मॉल में आए हैं इसमें मूवी देखने, अंदर जाके बात करते हैं, अभी फिलहाल अंदर जाएंगे। सबके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, आज अपने लिए बना रहा हूँ, देखो साथ में चाय, चाय बन चुकी है ये ही। ये कप्स है, बाकी ये बन रही है, बन रहे हैं, सॉरी। फ्राइज अपने लिए भी कभी कभी खा लेने चाहिए। Thank you.